सर्दी की बढ़ती हुई शिद्दत को कम करना हो, डोमेस्टिक और कमर्शियल सार्फीन ने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी हो, या फिर सीएनजी के मतबादल इस्तेमाल करना हो, तो एक ही नाम सामने आता है, वो है एलपीजी। तीन दिन पहले दो दिन सीएनजी छुट्टी होती थी, अब तीन दिन छुट्टी है, ठीक है। और उसकी वजह से जब तीन दिन छुट्टी होती है, हमें ये एलपीजी लगवानी पड़ती है, क्योंकि ये महंगी बहुत है, ठीक है। अब हमें अपना घर का खर्चा चलाना पड़ता है, अब मजबूरी है। एलपीजी पहले डिमांड बढ़ जाने की वजह से आसमान को जा पहुंची थी, जबकि सार्फिन पर मजीद सतम ये हुआ कि हुकूमत ने एलपीजी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद कर दी, जिससे फी किलो कीमत में 15 रुपये, घरेलू सिलेंडर में 175 रुपये, जबकि फी टन कीमत में 11,486 रुपये इजाफा हो गया, जिसके बाद एलपीजी की कीमत लाहौर में 150 रुपये किलो पर जा पहुंची। सिर्फ एक माह में एलपीजी की कीमत 35 रुपये किलो बढ़ गई। एक माह पहले तकरीबन 115 रुपये किलो थी और ये अब 150 रुपये जा रही है गैस, तो तकरीबन एक माह में 35 रुपये किलो इजाफा हुआ है। इससे पहले जब एलपीजी पर पेट्रोलियम लेवी आयद किया गया था, तो उस वक्त कंपनियों ने इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पर अदालत की जानिब से इसे मौतल कर दिया गया था। मौसम की शिद्दत में इजाफा, गैस के प्रेशर में कमी और सीएनजी की हफ्तावार लोड शेडिंग से एलपीजी की कीमतें पहले आसमान को बातें कर रही है, जबकि रही सही कसर पेट्रोलियम लेवी ने पूरी कर दी। कैमरामैन नईम अहमद के साथ आसिम हमीद, न्यूज़ 5 लाहौर।